तुमने जूही और बाड़ू को रक्षाबंधन के लिए घर क्यों बुलाया? काकू पहले से हम दोनों पे गुस्सा है, अब इस बात पे वो और गुस्सा करेगी। अरे बाबा की भाई को गुस्सा नहीं आएगा ना, उसको खाना हजम नहीं होता है। उसके बारे में सोच के अपना दिन काहे को खराब करना है, छोड़ना। साइली, दीपिका, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? एकदम अच्छी। आओ ना अंदर, चलो। अरे कैसे? खंभागनी। खंभागनी बैठो। थैंक यू। बाकी कैसे, मस्त है? जी। जैसे जब भी इसका थोड़ा देखा है तो ऐसे वीडियो कॉल पे देखा है ना, जब तू बात कर रही थी। अभी भी तुमको देख के ऐसे लग रहा है कि मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही। जब से आप दोनों ने डॉक्टर साहब की स्कूल डेकोरेशन में मदद की, तब से मैं आप दोनों से ही पर्सनली मिलना चाह रही थी। आज मुंबई किसी काम से आना हुआ तो यहाँ चली आई। ये लीजिए। थैंक यू। साइली जी, आपने बहुत सुंदर काम किया था। आपकी टेक्निक से मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। आप कभी भी जोधपुर आइएगा ना तो मुझे बताएगा, कोई भी काम रहे तो सांवरा और सांवरी संभाल लेंगे। ये लुक्को नहीं, साथ में बुलाओ ना अंदर। नहीं नहीं, दरअसल मैं भगवान कृष्ण को प्यार से सांवरा कहती हूँ और खुद को सांवरी। अच्छा है, सही, एक नंबरी, बहुत अच्छी। क्या ये दिखा? अच्छी। मस्ती। वैसे मालूम है वो डॉक्टर चिराग ने जब फोन किया था बोलने के लिए कि साइली का मदद चाहिए स्कूल व्हील में वो फूल वूल पहुंचाने करके, मेरे को लगा था कि कोई खास बात है। फिर मालूम पड़ा कि खास बात नहीं है, खास इंसान है। दिल के डॉक्टर के दिल के एकदम करीब। मस्त है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान है, वो सबकी मदद करते हैं हमेशा, वो कभी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते। क्या हुआ दीपिका, तुम्हारे मन में चिराग भाऊ को लेकर चिचा क्या सवाल है क्या? नहीं साहिली, वो बात नहीं है। दरअसल डॉक्टर साहब दिखने में जितने अच्छे हैं, उससे भी अच्छा उनका दुनिया को देखने का तरीका है। वो बहुत बड़े घर के बेटे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। दीपिका तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उनके जैसा पति पाने का हर लड़की का सपना होता है, पर मैं तो ये सपना भी नहीं देख सकती हूँ। मैं उनकी पत्नी बनकर उन्हें क्या ही दे पाऊंगी? हमारा कोई मेल नहीं है, हमारी जोड़ी नहीं बन सकती है। और सच तो ये है कि उनकी माँ, उन्हें तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। चिराग भाऊ तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी उनकी नज़र से देखोगी तो पता चलेगा। फिर देखना, तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि तुम कितनी अच्छी पत्नी बन पाओगी। और मैं क्या बोल रही, जब तक डॉक्टर चिराग अगर तेरे साथ है ना, उसकी आई को वो देख लेगा, उसका टेंशन तू मत ले। उसके अलावा अगर कोई आनाकानी किया या फालतू का लोड वेट दिया ना, तो तेरे सचिन भाऊ को फोन करने का। अरे आके ऐसा कान की नीचे सुड़ सुड़ी देगा ना, मैं जोधपुर से कानपुर पहुंच जाएगा, मालूम है? मेरे बाबा भी मुझे ऐसे ही हौसला देते हैं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और आपने इतना कह दिया, मेरे लिए बस वही काफी है। इसको मजाक लग रही? साइली जरा इसको बता, ये बार जो मैं बोलता है ना वो करता भी है, जैसे तेरी बहन के लिए खड़ा रहेगा ना, इसके लिए भी खड़ा रहेगा जब वक्त आएगा। बोल इसको। ओ, तो आप फिर जरूर आइएगा, मैं आपका तिलक करके आपको राखी बांधना चाहूंगी। अरे एक नंबर है, तू मेरे को एड्रेस भेज और बता कितने बजे कब आने गए, मैं पहुंच जाएगा। पर तू राखी बांधना नक्की। उड़ने की आशा आज से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।